गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। आपको बता दें तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं का गुजरात में जमावड़ा भी लगता जा रहा है। प्रचार के लिए दिग्गज नेता गुजरात की ओर रुक कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के रण में अब बीजेपी के सभी दिग्गजों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार किया, जिसमें बीजेपी की फायर ब्रांड कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्वारका और मोरबी में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। वहीं पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के रण में हुंकार भरी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,60,00,000 मकान पक्के बना के दे दिए और गुजरात में 15,00,000 मकान बना करके दिए, डबल बेडरूम, एक बाथरूम जिसमें 24 घंटे पानी आता है, एक रसोई घर जिसमें गैस का चूल्हा है, एक शौचालय इज्जत घर, एक कोर्टयार्ड, इसके साथ 15,00,000 घर गुजरात में और 3,60,00,000 घर सारे देश में बना के दिए। और उनका सपना है कि कोई भी पक्के छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा, यह कल्पना लेकर के चले। आप बताइए, हमारी अति गरीबी 1% से कम आ गई देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि IMF कह रहा है कि भारत में अति गरीबी 1% से कम आ गई। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया है, ताकि कोई भूखा सो ना जाए। आप बताइए, फर्क आया है कि नहीं आया है? आप बताइए, इसके लिए आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा? अब अगर मैं किसानों की बात करूं तो आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए हर चौथे महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? पूरे देश में 11,78,00,000 किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2,000 रुपए पहुंच रहा है और गुजरात में 66,00,000 किसानों के परिवारों को 2,000 रुपए चौथे महीने। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक दुखद घटना घटित हुई थी और उस घटना के दौरान पूरे देश की संवेदना मोरबी के साथ में थी। मोरबी का इतिहास रहा है चुनौतियों से जूझते हुए खड़ा होने की, चाहे वह 1979 के ब्रिज के टूटने की घटना हो या साइक्लोन से उभर करके फिर से जीवंतता के साथ आगे बढ़ने का, या भूकंप के दौरान भुज और मोरबी के अंदर हुए नुकसान को समय से पूरा करते हुए खड़े होकर के फिर से जीवंतता की एक नई कहानी कहने का। मोरबी हमेशा इस प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आकर के उस संवेदना के साथ जुड़ करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर के प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ डबल इंजन की सरकार खड़ी हुई। यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की संवेदनशीलता और आम जनमानस के प्रति उनकी भावना।